नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 दिसंबर 2019 से आरंभ हो रहे कुरुक्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में नेपाल को भागीदारी देश बनाने की पेशकश की है। मुख्यमंत्री ने यह पेशकश कार्यालय में शिष्टाचार भेंट में के लिए आए हुए नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य से बातचीत के दौरान की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों से लगातार कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कराती आ रही है और हम हर वर्ष किसी न किसी नए देश को भागीदारी बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष नेपाल को भागीदार देश बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को श्रीमद् भागवत गीता पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा। नेपाल से आयोजित मॉरिशस में किया गया था और अब 7 से 9 अगस्त 2019 तक इंग्लैंड में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गीता महोत्सव का आयोजन करने की पेशकश कनाडा द्वारा भी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का 18,000 विद्यार्थियों द्वारा एक साथ मंत्रोच्चारण भी किया जाता है। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी उपस्थित थे।